हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रसन्नजीत कुमार आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन से पहले के वो छोटे बड़े एस्पेक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए और रजिस्ट्रेशन के बाद के वो एस्पेक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। चलिए आज हम देखते हैं इस वीडियो में सीए फाउंडेशन। जानते हैं मेरे बारे में, मैं कौन हूं। मेरा नाम है प्रसन्नजीत कुमार, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं। इसके अलावा काफी टाइम से मैं 11th और 12th को पढ़ा रहा हूं अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स। रिसेंटली ही मैंने स्टार्ट किया है सीए फाउंडेशन को भी पढ़ाना। चलिए देखते हैं आगे। अब बात करते हैं सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन में आपकी एलिजिबिलिटी क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए? एलिजिबिलिटी है आपको 12th पास होना है, आपको 12th पास होना है। लेकिन अगर आप 12th में हैं, आई मीन एग्जाम आपके पेंडिंग है, तो आप उसमें प्रोविजनल बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपको सीए फाउंडेशन से एग्जम्पशन मिलती है। इसके अलावा अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन तो वो टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है, जिसकी फीस तो वैसे 9000 रुपए है, लेकिन प्रोस्पेक्टस की अलग से फीस है 200। अगर आप स्टूडेंट जनरल लेते हैं तो उसकी अलग से फीस है 200। और इसके अलावा अगर मेंबर्स का जनरल लेते हैं तो उसकी अलग से फीस है 400। इसके अलावा एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि अगर आपको अपना एग्जाम मई में देना है, जस्ट आफ्टर 12th एग्जाम मई में देना है, तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 31 दिसंबर से पहले पहले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिस साल आपने 12th का एग्जाम दिया है उसी साल एग्जाम नवंबर में हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है 30th जून से पहले पहले। सवाल खड़ा होता है, कितने पेपर होंगे, किसका पेपर होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर होगा, कैसे होगा, आइए जानते हैं। बेटा चार पेपर होने वाले हैं, चार। पहला पेपर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग 12th का। दूसरा बिजनेस लॉ, बिजनेस करेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, करेंगे बात इसके बारे में। थर्ड बिजनेस मैथ्स, 12th वाले जिनके पास मैथ्स नहीं थी देख लेना, बिजनेस मैथ्स, रीजनिंग, स्टेटिस्टिक्स, ये इकोनॉमिक्स में है 11th क्लास के। फोर्थ बिजनेस इकोनॉमिक्स, 11th 12th दोनों में है। कमर्शियल नॉलेज, ये चार आपके सब्जेक्ट रहेंगे। एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न आपके जो फर्स्ट टू पेपर है, ये फर्स्ट टू पेपर ये रिटन बेसिस पे होगा, सब्जेक्टिव है। आपको पेन से लिखना है। 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 hours फॉर ईच पेपर। लेकिन जो नेक्स्ट टू एग्जाम है, जैसे बिजनेस मैथ्स हो गया, मैथ्स वाले बच्चे डरना नहीं, जिन पे नहीं है वो भी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन दोनों का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जहां पे आपको 100 questions मिलेंगे, 100, लेकिन उसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा। तो ऐसे समझे, पहले दो पेपर्स के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे जो रिटर्न होगा, नेक्स्ट दो पेपर के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उन ऑब्जेक्टिव में आपको 100 questions मिलेंगे, 100 marks का होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी होगी उसमें, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/4 marks कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम कब होगा? एग्जाम मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम मई में होगा और नवंबर में होगा, मतलब साल में 2 बार होगा। लेकिन एग्जाम की टाइमिंग रहेगी 2 बजे से लेके 5 बजे तक, पहले दो एग्जाम की। दूसरे एग्जाम का, आई मीन नेक्स्ट टू एग्जाम जो 2 घंटे का, उसकी टाइमिंग होगी 2 से 4 बजे तक। अब अगला क्वेश्चन, सर पेपर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्या? नहीं होने वाला, मॉडरेट है, मॉडरेट। डिफिकल्टी लेवल कैसा है? मॉडरेट। लेकिन अब सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो क्या इंस्टीट्यूट भी ऑनलाइन पेपर लेने वाला? नहीं लेने वाला, वो आपसे ऑफलाइन पेपर लेने वाला है। इसी विषय में मुझे आपसे थोड़ी सी ये भी बात करनी थी। अभी हम जिस करंट सिनेरियो में, जहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है, वहां पे सीए फाउंडेशन के पेपर के लिए ऑप्ट आउट स्कीम आई हुई है। लेकिन जो बच्चा उसको ऑप्ट आउट नहीं करता, उसका एग्जाम 7th अगस्त, 9th अगस्त, 11th अगस्त और 14th अगस्त को होने वाला है। तो शायद इससे आपको ये पता चलता है कि वो आपको एक एक एग्जाम में कितना कितना गैप देने वाला है, एक एक दिन या दो दो दिन, मैक्सिमम 2 दिन, मिनिमम 1 दिन का गैप तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। चलिए आगे जानते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है और क्या आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। यही डिसाइड करेगा कि आपको सीए में आना है या नहीं आना है एंट्रेंस के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पेपर वन जो कि रिटर्न होने वाला है, 3 घंटे का रिटर्न होने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लिख के मार्क्स मिलने वाला है। अकाउंटिंग पेपर वन 11th 12th का, कंपनी अकाउंटिंग, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन 11th 12th का, फाइनल अकाउंट 11th 12th का, पार्टनरशिप, हल्का सा LLP भी पढ़ना पड़ेगा, NPO 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, ट्रायल बैलेंस 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर
इलेवेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या नया पढ़ना पड़ेगा, सब नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा बता रहा हूं, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, नया है, मुश्किल नहीं है, एवरेज ड्यू डेट पढ़ना पड़ेगा, नया है, मुश्किल नहीं है, एलएलपी पढ़ना पड़ेगा, उसका इंट्रोडक्शन। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज नहीं चाहिए ये सब पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पेपर टू, बिजनेस लॉ एंड करस्पॉन्डेंस, बिजनेस लॉ और करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस आप समझ रहे हो, मैं बात करता हूं पहले बिजनेस लॉ की। ये वाला पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, 60 मार्क्स और 40 मार्क्स। 60 मार्क्स में आपको कुछ लॉ पढ़ने पड़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय, तोड़ते समय क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पता चलेगा। गुड्स को सेल करते समय क्या एक्ट लगता है, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट आप जानते हो उसके बारे में, वही सिमिलर है। एलएलपी एक्ट थोड़ा सा नया है, पढ़ेंगे। 40 मार्क्स के लिए आपको बिजनेस करस्पॉन्डेंस पढ़ना है। 40 मार्क्स के लिए इसमें आपने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, जो कुछ नई बातें हल्की फुल्की, उसमें से एक बात है रिज्यूमे राइटिंग, आपको रिज्यूमे राइटिंग आना चाहिए। मीटिंग्स देखेंगे नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं पेपर थ्री और पेपर फोर, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, 2 घंटे का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 क्वेश्चन सही करो 1 मार्क्स ले लो, 1 क्वेश्चन गलत करो 1/4 कट जाएगा। कहने का मतलब 1 क्वेश्चन करने पे आपको 1 सही मार्क्स मिलेगा, 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपका वो वाला मार्क्स कट जाएगा। मतलब अगर आप 5 क्वेश्चन करते हो जिसमें से चार गलत है 1 सही है, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। डन, समझते आगे। पेपर थ्री बिजनेस मैथ्स रीजनिंग स्टेटिस्टिक्स। मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है, स्टेटिस्टिक्स आपने पढ़ा हुआ है, जो पढ़ना है एक्स्ट्रा वो है रीजनिंग। मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, 40 मार्क्स के लिए मैथ्स में 3 पार्ट में बटा हुआ है बेटा, बिजनेस मैथ 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स और स्टेटिस्टिक्स 40 मार्क्स। स्टेटिस्टिक्स 11th class में है, ये आपको आता है बहुत अच्छे से। चलिए बिजनेस मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है बेटा, रेशियो प्रोपोर्शन इंडेक्स एंड लॉगरिथम। नेक्स्ट इक्वेशन एंड मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपको आता है। स्टैटिस्टिक्स आपको आता है, रीजनिंग आपको आता है। अब आते हैं पेपर फोर में, जो वो भी होने वाला ऑब्जेक्टिव आपका, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, 11th में भी 12th में भी बहुत आता है आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स, 60 मार्क्स का। इसके अलावा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज आपको 40 मार्क्स, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। चलिए लास्ट में हम देखते हैं कि इतना कुछ जानने के बाद अब पासिंग का क्या क्राइटेरिया है। बहुत इजी क्राइटेरिया है पास करने का, 400 मार्क्स का पेपर, उसमें से आपको लाने हैं 200 मार्क्स, आ गए हम फाउंडेशन पास हो गए। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन है, वो कंडीशन हम समझते हैं। जैसे कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सब 100 मार्क्स का है, टोटल हुआ 400 मार्क्स। लेकिन आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं, हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम पास करने के लिए 40 मार्क्स लाने हैं। जैसे कि 40, 40, 40, 40, लेकिन अगर आप सब में 40 लेके आ गए, आपका एग्रीगेट कितना आया 160, आप फेल, क्योंकि पहली कंडीशन क्या है, आपको 250% मार्क्स लेके आना है। तो पहली कंडीशन है कि आपको 50% मार्क्स लेके आना है आउट ऑफ 400, एग्रीगेट 50%, और उसके बाद दूसरी कंडीशन है आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होना है, पासिंग 40 मार्क्स। एक बार थोड़ा सा और समझते हैं, सपोज करते हैं कि आपके सब में 50, 50, 50, 50, 40 से ज्यादा आप पास, एग्रीगेट भी 200 आप पास, लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपके 100 आए, लेकिन 4 सब्जेक्ट में आके आपके आए 39 सब्जेक्ट, ये 40 से कम रह गया, आप हो गए फेल। आई होप मैंने आपको सारी बातें समझाई सीए फाउंडेशन में एंट्री लेने से पहले और एंट्री लेने के बाद, कि वो हर एक छोटी बड़ी बात जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ और बातें रह गई हैं मुझे बताना या आपको जानना है, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।